हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं उन सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगी जिन्हें उबालकर खाने से आपको दुगनी ताकत मिलेगी। गाजर, गाजर प्लेन पानी में मुट्ठी भर गाजर काट कर डालें। इसमें एक चुटकी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स करें, फिर इसे उबालकर खाएं। ये आपकी आंखों के लिए काफ़ी पौष्टिक होगा। चुकंदर, चुकंदर खून की कमी को दूर करता है, इसे उबालकर खाना चाहिए। चुकंदर को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। आलू, आलू जब भी आप खाएं तो उसे उबालकर ही खाएं, क्योंकि उसमें कम कैलोरीज होती हैं। बीन्स, बीन्स को कम से कम 6 मिनट तक उबालें, फिर उसमें चुटकी भर नमक और काली मिर्च मिलाएं। उबली हुई बीन्स मधुमेह के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। पालक, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हरी पत्तेदार सब्जियों को उबालकर खाया जाए तो उसकी ताकत दोगुनी बढ़ जाती है, खास तौर पर मेथी और पालक की सब्जियां। स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न को उबालने में काफ़ी पानी और समय लगता है, लेकिन इसे हम बिना उबाले भी खा नहीं सकते। स्वीट कॉर्न में पोषण और ढेर सारे रेशे होते हैं जो कि कब्ज को दूर कर सकता है। शकरकंद, शकरकंद में काफ़ी सारा कार्ब होता है जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो शकरकंद अवश्य खाएं। फूल गोभी, भाप में पकी हुई गोभी काफ़ी पौष्टिक मानी जाती है। ऐसा करने पर इसमें मौजूदा न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नष्ट नहीं हो पाते। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी जब उबालकर खाई जाती है तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उबालने के लिए जिस पानी का प्रयोग किया जाए उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोषण होता है। ब्रोकली, ब्रोकली को उबालकर खाने में ज़्यादा टेस्ट मालूम पड़ता है। अगर आपको ये डिश सादी ही खानी हो तो उबालते समय इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको उन सब्जियों के बारे में बताया है जिन्हें उबालकर खाने से आपको दोगुने फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके और वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।